से आ रही है मां पीताम्बरा जयंती उत्सव का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मंदिर के बाहर देवी भक्तों को करेंगे संबोधित। भक्तों की भीड़ जमा होना अब शुरू हो गई है। पीले रंग में नजर आ रहा है देवी भक्त का मंदिर। तमाम देवी के भक्त पीले रंग के कपड़े पहने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदिर के बाहर भक्तजनों को संबोधित करने जा रहे हैं। दतिया से इस वक्त की बड़ी खबर और ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भक्तों को मंदिर के बाहर संबोधित भी करेंगे। भक्तों की भीड़ जमा होना अब शुरू हो गई है। वो हौसला दिख रहा है जो दतिया को नंबर वन बना देगा। और इस वक्त की बड़ी खबर दतिया से आपको बता रहे हैं, जहां पर मां पीताम्बरा मंदिर के बाहर बड़े उत्सव की तैयारियां। पीले रंग में देवी के भक्त नजर आ रहे हैं। भक्तों का जमावड़ा शुरू हो गया है। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदिर के बाहर भक्तों को संबोधित करने वाले हैं। दतिया से इस वक्त की बड़ी खबर, देवी भक्तों को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पहुंचे हैं। मां पीताम्बरा जयंती उत्सव कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक बड़ा आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पहुंच चुके हैं। यहां पर भक्तों की भीड़ काफी संख्या में पहुंच रही है। पीले रंग के कपड़ों में तमाम देवी के भक्त नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और मंदिर के बाहर तमाम भक्तों को संबोधित भी करेंगे। दतिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मां पीताम्बरा जयंती का बड़ा उत्सव यहां पर दतिया में मनाया जा रहा है। बड़ी खबर दतिया से आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचने वाले हैं, और एक बड़ा आयोजन यहां पर मां पीताम्बरा जयंती पर। तमाम भक्त पीले कपड़ों में नजर आ रहे हैं। एक बड़ा उत्सव यहां पर मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर पहुंचेंगे। बीजेपी के तमाम बड़े नेता और मंत्री भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहां पर मां पीताम्बरा देवी के भक्त पहुंचना शुरू हो चुके हैं। दतिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए दतिया से हमारे सहयोगी राजीव मिश्रा जुड़ चुके हैं। राजीव, मां पीताम्बरा जयंती पर एक भव्य आयोजन यहां पर किया जा रहा है। एक बड़ा आयोजन, बड़ा कार्यक्रम यहां पर किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता मंत्री पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पहुंचेंगे, देवी भक्तों को संबोधित भी करेंगे। क्या कुछ आयोजन वहां पर हो रहा है? जी बिल्कुल, ये कार्यक्रम जो है वो वाकई में ऐतिहासिक कार्यक्रम है, और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मौजूद जो भक्तगण है वो पूरी तरह से पीले रंग में रंगे हुए नजर आते हैं। आप हमारे पीछे देख भी रहे होंगे कि कतारें लगी हैं, भक्त यहाँ बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, और यहाँ पहुंचने के बाद देवी माता रथ यात्रा में शामिल होंगे। अभी कुछ ही देर में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पहुंचेंगे और देवी रथ यात्रा में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ पर मौजूद है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगातार कल से ही यह मौजूद है और रथ यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। यह तैयारियां पूरी तरह से पूर्ण हो गई हैं और कुछ ही समय में माता देवी रानी रथ पर सवार होकर नगर का भ्रमण करेंगी और अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अब नगर में पहुंचेंगी। पूरी तरह से आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि भक्तों की कतारें लगातार पिछले 2 घंटे से यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं। माता के भक्त मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे हैं। माता के भक्त पूरी तरह से पीले कपड़ों में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में माताएं बहनें यहाँ पहुंच रही हैं और माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए वहाँ पहुंच रहे हैं। जी राजीव, इसके अलावा यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पे पहुंचेंगे, भक्तों को संबोधित भी करेंगे। जरा वहां की तस्वीर भी हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से वहां पर आयोजन का जो शुभारंभ हो चुका है वो किस तरीके से आयोजित किया जाना है।
जी यहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद वो देवी पीताम्बरा मंदिर पहुँचकर देवी बगलोमुखी के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद मंदिर प्रांगण के बाहर वो पहुँचने के बाद दतिया के भक्तों को और दतिया की जनता को संबोधित भी करेंगे। संबोधन के बाद माता के रथ राजीव आपके साथ कुछ लोग पीछे दिखाई दे रहे हैं, जरा उनसे बात कीजिए, वो भी काफी उत्साहित लग रहे हैं आयोजन को लेकर। जरा उनसे भी पूछिए कि इस आयोजन को लेकर कितना उत्साहित हैं आप। जी आप कहाँ से आए हुए हैं, झांसी से आए हुए, कितना उत्साह आपको लग रहा है? बहुत ज्यादा उत्साह लग रहा है भाई साहब, और बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। किस आप शनिवार के अलावा भी यहाँ आते हैं? नहीं, हर शनिवार को तो आते ही आते हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसा त्यौहार होता है तब भी जरूर आते हैं। तो आपने अभी देखा कि जगह जगह से यहाँ भक्त आ रहे हैं और बड़ी बड़ी कतारों में हमने देखा है कि 3 बजे से यहाँ लगातार कतारें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लंबी लंबी कतारें अभी भी देखने को मिल रही हैं और माता हमेशा। राजीव, इसके अलावा आपके पीछे कुछ युवा भी दिखाई दे रहे हैं, जरा उनसे भी पूछिए कि क्या ऐसे उत्सव हमेशा होते रहने चाहिए, क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा आयोजन दतिया में नहीं हुआ है। क्या ऐसा उत्सव लगातार होते रहना चाहिए? आपके पीछे कुछ युवा वर्ग खड़े हैं, उनसे पूछिए। महिलाएं भी है, युवा भी है, क्या लग रहा है उन्हें, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, दतिया में ऐसा माहौल देख के बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। और हमारे साथ युवा भी कुछ मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे ये उत्सव जो मनाया जा रहा है कैसा लग रहा है आपको? पाली आए बहुत भैया, अच्छा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है, यहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं। एक बार कहना चाहता हूँ पीताम्बरा माई की। आप देख रहे हैं यहाँ पर युवाओं में बहुत ज्यादा जोश नजर आ रहा है, माता की कृपा हमेशा बरसती रहती है, हमेशा भक्तों पर बरसती है। तो माँ की जयकार के साथ सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारियां देने के लिए। दतिया का माँ पीताम्बरा पीठ पूरे देश की आस्था का केंद्र है। माँ पीताम्बरा पूरे साल भक्तों के अलावा राजनेताओं से भी घिरी रहती हैं। उनके दर पर देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति ने भी मंदिर में अपनी हाजिरी लगाई तो देश के कई राजनीतिक पार्टियों से जुड़े नेताओं को माँ की शरण में याचना करते हुए देखा गया है। सत्ताधारी दलों से जुड़े हुए सरकार के मंत्रियों के अलावा कई राज्यों के सत्ताधारी दलों ने नेताओं को अक्सर देवी मां पीताम्बरा के आगे अपना मत्था टेकते हुए देखा जाता है। बगलामुखी देवी पीताम्बरा मंदिर के नाम से पूरे देश और विदेश में प्रख्यात है। देवी पीताम्बरा मंदिर पर पूरे साल राजनेताओं का जमाड़ा लगा रहता है। राजनेता नवरात्रि के अलावा भी हमेशा यहां कतारबद्ध होकर माता के दर्शन करने के लिए नजर आते हैं। मध्य प्रदेश के दतिया स्थित देवी पीताम्बरा मंदिर में शत्रुहंता मां पीताम्बरा की स्थापना सन 1935 में मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज ने की थी। पहले मंदिर के आसपास काफी घना जंगल हुआ करता था। मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी जी ने अपनी तपस्या के बल पर इस मंदिर को जागृत पीठ बनाया और देवी कृपा से यहाँ अन्य विग्रह की स्थापना हुई। देवी पीताम्बरा मंदिर तंत्र मंत्रों की एक जागृत प्रयोगशाला भी है। यहाँ अंक ज्योतिष के अलावा वैदिक पद्धति से पूजा अर्चना अनुष्ठान के अपने नियम हैं। राजसत्ता हासिल करने के लिए और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए देवी साधना को उत्तम माना गया है। शत्रुओं के विनाश के लिए भी माँ पीताम्बरा की आराधना की जाती है। भारत चीन युद्ध के समय भी एक महत्वपूर्ण यज्ञ का आयोजन किया गया था और यह राष्ट्र रक्षा अनुष्ठान यज्ञ पूरी तरह से सफल रहा। जितने भी राजा महाराजाओं के बड़े बड़े युद्ध हुए, प्राचीन युद्ध हुए, उन सब में माता की साधना की गई है और जीतने के लिए राजा महाराजा माई की जो है तपस्या करते थे और जिसका प्रभाव यही होता था कि वो युद्ध जीत जाते थे। तो यही है माई जो है इस संबंध की देवी है, विजय प्राप्ति दिलवाती है। कौन कौन से राजनेता आ चुके हैं? देखिए यहाँ पे बहुत राजनेता, देश भर के जितने विख्यात नेता हैं, जैसे इंदिरा गांधी आ चुके हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, पी वी नरसिम्हा राव, ये सभी लोग, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और ये प्रणब मुखर्जी,
ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लगभग सभी देश के जितने विख्यात नेता हैं, राजनेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, सीएम है, योगी आदित्यनाथ है, कोई भी हो, लगभग माई के पास सभी आए हैं, सबने माई का आशीर्वाद दिया है। सिद्ध पीठ श्री पीताम्बरा मंदिर में अद्भुत चार दरवाजे हैं, तो वहीं पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशाओं में देवी देवताओं के विग्रह स्थापित हैं। इन तमाम विग्रह के दर्शन मात्र से ही राजसत्ता प्राप्ति के योग बनते हैं। इस तरह से मंदिर का स्थापत्य भी आकर्षण का केंद्र है। बहुत दूर दूर से भक्त श्रद्धालु आ रहे हैं, माँ के श्री चरणों में मत्था टेक रहे हैं, और यहाँ माँ के श्री चरणों में जो भी भक्त निस्वार्थ भावना से आता है, ये भगवती श्री ऐसी हैं, इनके श्री चरणों की कृपा से, इनके दर्शन मात्र करने से व्यक्ति के सब पाप कष्ट बहुत दूर हो जाते हैं और हर व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस तरह माँ बगलामुखी के दर्शन के लिए साल भर भक्तों के अलावा राजनेताओं का भी तांता लगा रहता है। राजीव मिश्रा, INS 24/7, दतिया।